नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार लघु उद्यमी योजना में फॉर्म भरे थे और आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, मतलब फॉर्म भरे थे आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हड़बड़ाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो थोड़ा पेशेंस बना करके इस वीडियो को देखिए। बहुत ही जबरदस्त आइडिया हम आपको अभी देने वाले हैं, वीडियो को थोड़ा सा पेशेंस बना करके देखिएगा। अब जैसे कि आप लोग को पता होगा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत इस बार जो यानी कि 2023-24 में जो सिलेक्शन हुआ है वो 50,000 आदमी का सिलेक्शन हुआ है, जबकि फॉर्म जो है कहा गया था कि 2 लाख से ऊपर फॉर्म भराया गया है। अब उन्हीं को देखते हुए यहां पर कहा गया कि अगले वर्ष 2024-25 में पुनः नया चयन होगा, यहां पर आवेदन नहीं होगा। इस प्रकार से देखिए कुछ क्लियर नहीं है, केवल बोल रहा है कि दोबारा नया चयन होगा। अब हो सकता है कि जो लोग आवेदन कर दिए है ना, ऐसे से यही होता है कि मतलब जो भी आदमी बच रहा है उसका जो है उसी लिस्ट में से फिर से चयन किया जाएगा। ये बात को भी हम छोड़ देते हैं फिलहाल। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद जो है वो कुछ अलग है कि दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना का जो चयन हुआ था, अगर आप लोग भी उस लाइफ में जुड़े हुए थे तो देखिए, जो भी बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के चीफ सिक्योरिटी हैं संदीप पौंडित जी सर, उन्हीं के द्वारा जो है कहा गया था कि आज के इस समारोह में दो योजना का आह्वान करने वाले हैं। एक बिहार लघु उद्यमी योजना का, दूसरा जो है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में। देखिए, जिन लोगों का बिहार लघु उद्यमी योजना में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरा अनुरोध यह है कि आप बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में अप्लाई कर दीजिए। बिहार लघु उद्यमी योजना में आपको 2 लाख रुपया मिलता है, जबकि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत जब आप अप्लाई करोगे तो आपको वहां पर 10 लाख रुपया मिलता है। अगर आपको स्वरोजगार करना है तब थोड़ा सा माइंड लगा लीजिए, अगर फोकट में पैसा आपको लेना है तो आप इसी में रह जाइए। यहाँ पे सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन जो आया है वो हम आपको सबसे पहले दिखा देना चाहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी जो कि 2022 में ही आया है, इस योजना में फॉर्म जो है 2022 से प्रॉपर शुरू हो चुका है फॉर्म फिलअप। सारे लोग फॉर्म को भरते भी हैं और इस योजना के अंतर्गत लाभ भी ले रहे हैं। अब देखिए, चयन सूची भी हम आपको इस योजना के अंतर्गत जो चयन सूची आया है अभी अभी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहां पर इस योजना के अंतर्गत जब आप अप्लाई करोगे तो आपको 10 लाख तक का मुफ्त फंडिंग, मतलब 10 लाख आपको लोन जो दिया जाएगा, नहीं आप उसमें आपको ब्याज नहीं देना है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 10 लाख दिया जाएगा, जबकि 10 लाख आपको रिटर्न करना पड़ेगा 10 साल में। यहां पर कह रहा है कि आपको 10 साल के लिए 10 लाख रुपया मुफ्त में दिया जा रहा है, ब्याज मुफ्त है पैसा, 10 लाख मुफ्त नहीं है, पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा 10 के 10 लाख ही, ब्याज उसमें नहीं देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस योजना में लाभ मिलता है, तो 10 लाख आपको 10 साल के लिए दिया जाएगा। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से आते हैं या फिर दिव्यांग हैं तो आपको 15% जो इस पर सब्सिडी मिलेगा। महिला उद्यमी जो है ऑल कैटेगरी में उनको 5% जो है सब्सिडी उन लोगों को दिया जाएगा। यहाँ पर अभी तक में जो है लगभग 600 के अराउंड जो है इस योजना के अंतर्गत जो है स्टार्टअप लग भी चुका है, और इस योजना के अंतर्गत जो वो राशि जारी हुआ है वो 58.89 करोड़, मतलब कह सकते हो कि लगभग कह सकते हो 59 करोड़ रुपया जो है 31 जनवरी 2024 तक इसको मतलब दे दिया है। अब दोबारा इसमें जो है इसका फिर से बजट बढ़ चुका है। अगर आप लोग भी इस योजना में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म को भैया आंख बंद करके अप्लाई कर दीजिए, अगर स्टार्टअप करना है तब, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों इस योजना में आप लोग को फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आ जाइएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आप गूगल क्रोम में startup.bihar.gov.in डालोगे तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। वैसे इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, जाकर के वहां लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। अब देखिए, यहां पर जो है इसका जो लिस्ट जारी हुआ है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहीं पर इसका लिस्ट जारी होता है। ये अभी स्क्रॉल चल रहा है, इसको भी स्क्रॉल हम ऊपर होने देते हैं। यहां पर देखिएगा कि इनका जो है लिस्ट अभी अभी हाल में ही एक लिस्ट जारी हुआ है। यहां पर देखिए ऊपर में स्टार्टअप इवेंट टेस्ट, यहां पर जो है 25 को यहां पर लिस्ट जारी हुआ है, 25 जनवरी को, इस पर आप क्लिक करिए। करने के बाद जो है आपको देखिए यहां पर जो है जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है यहां पर जो है इन लोगों का लिस्ट यहां पर दे दिया है। तो अब देखिए, इस योजना के अंदर बहुत ही कम लोग फॉर्म को भरते हैं तो कम लोगों का ही सिलेक्शन होगा। अब मान लेते हैं 100 लोग फॉर्म भरा है तो 100 में 100 का सिलेक्शन नहीं होता है। अब जिसका कंसेप्ट एंड आइडिया तगड़ा रहता है केवल उसी का सिलेक्शन होता है, और बिजनेस भी कोई वैल्यूएबल बिजनेस हो, ऐसे मतलब टाइम पास वाला बिजनेस ना हो, तो केवल उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। जब इसमें आप फॉर्म भरोगे इस योजना के अंतर्गत तो आपको वेट करना होता है 2 महीना 3 महीना 1 महीना, उसके बाद जो है आप लोग का लिस्ट जो है यहीं पर जारी हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये न्यू लिस्ट जारी हुआ तो यहाँ पर न्यू आ गया, ये 25 जनवरी 2024 को ही जारी हुआ, उसके बाद जो है 27 दिसंबर को हुआ था, उसके बाद जो यहाँ पर 30 नवंबर को हुआ था। तो देखिए, जब जब होता है यहाँ पर अपडेट कर देता है, आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना नाम को चेक कर सकते हो। अब इसमें अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो भाई किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आजिए इसी वेबसाइट पर। यहाँ पर आने का जो यहाँ पर लॉगिन है इस पर आप क्लिक करिए और रजिस्टर पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए।
जैसे रजिस्टर पर क्लिक करोगे थोड़ा सा नीचे करना है, नीचे करने के बाद थोड़ा सा नीचे करिए, यहाँ पर जो इस बॉक्स पर टिक करिए और यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ टेस्ट के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है आपको 10 क्वेश्चन आएगा, इस 10 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और यहाँ से सबमिट करना है। जब सबमिट कर दोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म दे दिया जाएगा। तो प्रॉपर अगर आप लोग इसमें फॉर्म भरना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इस योजना के अंदर का जब भी फॉर्म भर करके आप लोग को बताएंगे तो हो सकता है वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा बन जाए, 25 मिनट या फिर 20 मिनट का वीडियो बन जाए। तो आप लोग देखिए प्रॉपर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं हमें अप्लाई करना है, आप इस पर एक वीडियो बनाइए। तो हम ऑलरेडी देखिए हम वीडियो बना भी दिए, आप मेरे चैनल पर जाइएगा तो आपको वीडियो मिल भी जाएगा, लेकिन अभी जो है लेटेस्ट प्रोसेस अगर आप लोग को देखना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम आप लोग को बता देंगे कि योजना के अंतर्गत कैसे फॉर्म भरना है। अब देखिए यहाँ से जो आप लोग को 10 क्वेश्चन रहता है, इसमें जो 8 आंसर आप लोग को देना होता है। तो जब आप कॉमेंट करते हो तो हम आपको फिर से नया वीडियो बना देंगे जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म भरने तक का प्रोसेस A to Z जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तब मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच कर लिया हो तो वीडियो देखना आप कहता है, धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।